हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दिस इज़ जागृति। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्लोट क्या है, व्हाट इज़ ब्लड क्लोट एंड प्रोसेस पढ़ा था, और पैथवे पढ़े थे कि इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पैथवे क्या होता है ब्लड क्लोट का, उसके बारे में पढ़ा था, और फैक्टर्स भी पढ़े थे। बट फैक्टर्स को याद करने की ट्रिक आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिस इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ईजली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फैक्टर थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, कौन सा फिफ्थ है, ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ब्लड क्लोट, ब्लड कैलकुलेशन फैक्टर्स। ब्लड कैलकुलेशन फैक्टर्स क्या होता है? क्लोटिंग इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ नंबर्स ब्लड कंपोनेंट कॉल्ड कैलकुलेशन फैक्टर्स। क्लोटिंग क्या है? क्लोटिंग एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला ये एक प्रोसेस होता है क्लोटिंग, ठीक है। और ये मतलब जो हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सा ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लोट में ब्लड क्लोट होने से हेल्प करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैलकुलेशन फैक्टर्स बोलते हैं। फिर से देखते हैं एक बार फ्रेंड्स, क्लोटिंग एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने वाला एक प्रोसेस है, और ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लोट होने में हेल्प करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कैलकुलेशन फैक्टर्स बोलते हैं, जिन्हें कैलकुलेशन फैक्टर्स बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देर आर 13 प्रिंसिपल कैलकुलेशन फैक्टर्स इन ऑल। मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं कैलकुलेशन फैक्टर्स, वो टोटल 13 है, 13 कैलकुलेशन फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईच ऑफ दिस हैज़ बीन असाइनड अ रोमन नंबर फर्स्ट टू 13। मींस मतलब कि जितने भी कैलकुलेशन फैक्टर्स हैं वो रोमन में लिखे गए हैं, रोमन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि ये ट्रिक क्या है जिससे हम अच्छे से याद कर पाएँ, हमें कंफ्यूजन ना हो ये याद करने में। तो ये है कुछ हमारी ट्रिक, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको अगर हिंदी में सही लग रहा है तो आप हिंदी में लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंग्लिश में लर्न कर सकते हैं, आप को जैसा सही लगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या है हिंदी में, क्या है, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर, ठीक है, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर। हिंदी में क्या है? अब ये हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर का मीन देखना है, फर्स्ट लेटर, फिर वो फॉर फिब्रोजन, प पिटाई प्रथम्बिन, थ्रम्बिन मतलब द थ्रम्बोविन, कैल्शियम पापा, पी फॉर प्रोएसेसिन, ए फॉर एसेसिन, पी फॉर प्रो कन्वर्टिन, ए फॉर ए जी एस, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कैसे मीन्स क्रिसमस फैक्टर, स्टार्ट मीन्स स्ट्राइक फैक्टर, पढ़ाई प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगी, हैगमैन फैक्टर में सबसे पहले हमें बस ध्यान देना है फर्स्ट लेटर ओनली, और कुछ नहीं, फर्स्ट लेटर बस वो लाइन याद करने लिए हैं जिससे हमें अच्छे से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। वो फिब्रिन एस्टेब्लिशिंग फैक्टर, अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसको, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर, ठीक है। अब हम एक बार फ्रेंड्स जो है इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी ये है, जैसे फ्रेंड्स ये बता देते हैं, फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल है कैंसर की जो सेल्स होती हैं उन्हें किल करने के लिए, तो अगर कैंसर की सेल्स को किल करना है, जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है हॉस्पिटल में, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने एक ट्रिक बना दिया। क्या है ये ट्रिक? फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट कैंसर प्लीज़ अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद, ठीक है, पुराना हॉस्पिटल है फरीदाबाद में ये। तो एफ फॉर फर्स्ट लेटर ओनली देखते हैं, एफ फॉर फिब्रोजन, पी फॉर प्रथम्बिन, टी फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी फॉर कैल्शियम, पी फॉर प्रोएसिलिन, ए फॉर एसिलिन, प्रो पी फॉर प्रोकॉन्वर्टिन, ए फॉर एसिया, एंटी हिमोफिलिक ग्लोबुलिन, चंद्र सी फॉर क्रिसमस, शेखर मीन्स एस फॉर स्टार, एंड पुराना पी फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट।
एच फॉर हैगमैन फैक्टर, एफ फॉर ओनली फर्स्ट लेटर, एफ फॉर फिब्रिन एस्टेब्लिशिंग फैक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसी एक दो बार इसको पढ़िए अच्छे से, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आप जो है अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा थर्ड है कौन सा सिक्स है, आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम एक बात आपको और बता देना चाहें, आप तो इससे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हम आपको बता दे रहे हैं, विटामिन के जो होता है मेनली इम्पॉर्टेंट होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको सिंथेसिस में, ठीक है, विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है ये फैक्टर्स के सिंथेसिस में, ठीक है, और ये फैक्टर्स जो होते हैं मेनली जो लीवर है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच ऑल माई फ्रेंड्स, टेक केयर।